निर्गमन अध्याय चार। निर्गमन अध्याय चार। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरे प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। फिर जब उसने उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें और पहले चिन्ह को न माने, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। सो यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लोहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गुंगा व बहिरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसके ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर इत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है व नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा परमेश्वर यो कहता है कि इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। और ऐसा हुआ
कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खडली को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लोहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लोहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनकी प्रतीति की। और यह सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की।